मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है हम मुमरा के सम्राट नगर इलाके से जो ऊपर रास्ता आता है गांव देवी एकता नगर। आपको दिखाएंगे कि ये एकता नगर का इलाका है और यहां पर जो सम्राट नगर से ऊपर रास्ता आया है दरअसल ये वो रास्ता है। हालांकि अभी देखेंगे इस आगे जो कीचड़ भरा रास्ता है ये रास्ता का काम शुरू किया गया है लेकिन ये अभी इसे आधा अधूरा ये काम किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस काम को जो है शुरू किया गया लेकिन ये मेक कंपनी की ज़मीन है, अब कुछ प्रोसेस बाकी है, बातचीत वगैरह करके इस काम को पूरा किया जाएगा और जो सम्राट नगर से गांव देवी आने वाला रास्ता है वो काम लगभग पूरा हो चुका है। और इसी को लेकर जो है राजन कीने, रिदा रशीद, मोरेश्वर कीने, इन लोगों का जो है आज यहां पर यहां के एकता नगर के जो लोग हैं इन लोगों ने उनका सम्मान सत्कार यहां पर रखा था। और सम्मान सत्कार में उन लोगों ने करने के बाद ये भी बताया कि यहाँ पर एक शौचालय है और वो शौचालय जो है काफ़ी दिनों से बंद है, उसको भी ठीक दुरुस्त करके चालू करने की बात कही है तो वो भी बताया गया है कि जल्द ही वो शौचालय जो है बनाकर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर पानी की किल्लत है वो भी राजन किरे ने आश्वासन दिया है कि जो पानी की किल्लत है वो भी दूर किया जाएगा और रास्ते का भी काम जो है लगभग वो पूरा होने वाला है। सम्मान सत्कार होने के बाद राजन किरे, मोरेश्वर किरे और रिदा रशीद ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। दादा आज आपका सम्मान सत्कार किया गया है गांव देवी के पास एकता नगर यहाँ पर सम्मान सत्कार किया गया, जो रास्ता है वो आपने बनाया खासतौर पर उसको लेकर और कुछ महिलाओं से भी आपने बातचीत की है, क्या बताएंगे काम के लिए? क्या है कि अभी नगर सेवक का पद निकल जाने के बाद बहुत टाइम से बाद कुछ काम नहीं हो रहे थे तो हमने ये जो गाँव देवी का रास्ता था सम्राट नगर से लेकर के गाँव देवी तक का जो रास्ता था ये रास्ता थोड़ा छोटा था और बारिश में तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती थी कि यहाँ पर फिसलन पैदा होती थी और वो फिसल के बच्चे लोग गिर जाते थे, बाइक वाले गिर जाते थे। पिछले साल तो मेरे ख्याल से एक मौत भी हुई थी, उसमें एक बच्चे की मौत हुई थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने खासदार साहब से गुहार लगाई थी, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब से, उनको कहा था कि ये रास्ता बहुत डेंजर है और भविष्य में और हादसे होने का चांसेस है तो इसके लिए आप जरा, तो इसको हमने ये रास्ता बनाने के लिए उनसे ये किया, उन्होंने निधि दिया, ये रास्ता अच्छा हो गया। लेकिन यहाँ पर जब आते हैं तो हमारे एकता नगर के जो रहवासी है वो उनके लिए जो रास्ता है ना वो थोड़ा कैसा है कि वो ज़मीन मालिक है मेक कंपनी वाला और यहाँ पर काम करने के बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे। लेकिन पिछले अभी 4-5 दिन से आरिफ भाई हमारे हरदिल अजीज पत्रकार और गांव दी एकता नगर के रहवासी आरिफ हशमी साहब और मोरेश भाई ने ये रास्ते का मुआयना किया था और वो जो उसमें जो कुछ बचा था उसमें ये रास्ते का काम हुआ है एकता नगर के और हमने पूरा शौचालय के देखा है और पूरा रिपेयरिंग वगैरह है और आगे का जो रास्ता है उसको भी बनाने के लिए वो जो बजट में एक्सेस रहेगा या एक्स्ट्रा रहेंगी तो उसमें करेंगे, नहीं तो थोड़ा आगे बजट का प्रावधान। समस्या के कुछ महिलाओं ने बताया, हाँ पानी की समस्या है, यहाँ पर जो टाकी बनाई गई है यहाँ पर जो पानी आता है, आपको बता दूँ यहाँ पर एक थोड़ी पुरानी याद है, यहाँ पूरी जो बस्ती बसी है वो हमारे पिताजी नारायण किने इनके नाम से जगह थी वो, और उस वक्त जब बाईपास ये बन रहा था तो बाईपास बन रहा था तो यहाँ से जो पूरे बाईपास में जो विस्थापित हो रहे थे उनको सबको वहाँ दातिवली पे जगह देने का बात किया था। तो यहाँ मुमरा के कुछ ऐसे लोग थे उन्होंने कहा था कि हम लोग को पहाड़ी पे भी जगह चलेगी, तो फिर पिताजी के पास उन लोग आए और वो अटलांटा वगैरह आए, उन्होंने पिताजी से बात किए कि हम लोग को ठीक है, वो उन्होंने उनका जो मुआवजा था वो दिया है लेकिन वो जगह पिताजी ने यहाँ पर हमारे दी और यहाँ पहले पानी यहाँ पर का व्यवस्था नहीं था तो टाकी से जो पानी पंप लगा के आने का था, नजबुद्दीन मलिक है उनको मालूम है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा ये था ऐसा कोई ध्यान नहीं दे रहा था तो मैं पंप लेके गया टाकी के ऊपर और पंप लगाया, इधर कोई आएगा तो मैं देख लेगा क्या, पहले उनको पानी पहुँचाओ। तो उस वक्त वो पानी पहुँचा के ठीक है अभी वो पानी भेजते है लेकिन वो उस वक्त से ही चल रहा है, मेरे ख्याल से 2005-06 के टाइम से ही वो पानी बेचने का काम चल रहा है।
तो पानी बेचने वाला काम बंद हो गया। हाँ हाँ, अभी वही मैं बता रहा हूँ आगे कि अभी जो टाकी बन गई उसकी वजह से जो पानी बेचने वाले थे उनका जो पानी माफिया थे वो सब बंद हो गए ले। और अभी कुछ एरिया है नीचे का एरिया, तो वहाँ पर जो वहाँ से जो पानी का लाइन डालने का है तो वो कुछ लाइन्स डालने के बाकी है। अभी बीच में मैंने इनसे बात किया था सालुंग के हिसाब से, जो हमारे कार्यकारी अभियंता है, ऊपर जो पानी की टंकी है उससे ऊपर वालों को ही पानी पूरा नहीं हो रहा है, तो उसमें से अगर आप नीचे लेके आएंगे तो नहीं नहीं नीचे लेके आएंगे ऐसा है कि पानी बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे ऐसा नहीं, अगर नीचे पानी देने का है तो पानी तो बढ़ाना पड़ेगा, बिना पानी बढ़ाए नीचे पानी नहीं मिल सकता है। तो जो नीचे अभी पानी बढ़ने वाला है अपने 10 MLD अपने कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है, उसमें वो पानी बढ़ेगा तो पंपिंग भी ज़्यादा बढ़ेगी, पंपिंग बढ़ेगी तो इधर पानी बढ़ेगा तो नीचे वाले भी लोगों को पानी मिलेगा, तो उसके वजह से है कि लाइन अभी डालेंगे तो फिर पानी नहीं है लाइन में, तो उसकी वजह से पानी बढ़ेगा तो फिर लाइन डालने का तो काम तुरंत करेंगे ऐसा सब इन्होंने मेरे को सालुंग के साहब ने बताया था कि पानी बढ़ेगा तो तुरंत लाइन डालने का काम करके लेंगे, क्योंकि लाइन का प्रोविजन है ही अपने पास, जो अपना रिमॉडलिंग का जो प्रोजेक्ट है उसमें लाइन तो सब जगह डालने का प्रोविजन है ही है, लेकिन पानी बढ़ेगा तो लाइन डालना, नहीं तो पानी डालने लाइन डालेंगे तो पानी नहीं आएगा उधर से भी लोग चिल्लाएंगे, उसकी वजह से वो पानी बढ़ेगा अभी तुरंत, अभी तुरंत बोले तो थोड़ा टाइम पानी बढ़ेगा उसके बाद में सबको पानी मिलेगा अच्छा तरह से। कहेंगे आज यहाँ पे रास्ते का काम शुरू था उसका सत्कार हुआ है, क्या कहेंगे? सलाम वालेकुम, नमस्कार। सम्राट नगर से गाँव देवी का रोड जो बना है अब 3.5 करोड़ की निधि से, वो हमारे खासदार साहब डॉक्टर जितेंद्र डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब इनके निधि से बना हुआ है, और हम नगर से हमारे ज्येष्ठ नगर से अजन दादा की ने इनके मांगनी से और मेरे मांगनी से इस रोड का काम हुआ है, और मैं लोगों को यही कहूँगा कि हम लोग पक्का काम करते, टेम्पररी काम नहीं करते, क्योंकि ये रोड पहले बहुत ही छोटा था, वहाँ एक्सीडेंट होते थे, तो उसको देख के हमने खासदार साहब से विनती की कि जल्द से जल्द हमको ये रोड के लिए बजट दो, तो उन्होंने हमारे लिए बजट दिया और ये काम पूरा हुआ। वैसे ही ये रोड जो एकता नगर का मेक कंपनी वाले का जगह का डिस्प्यूट होने के कारण पहले मैंने इसको टेम्पररी रोड बनाया था, उसके क्योंकि यहाँ चलने की जगह भी नहीं थी, 15 साल से यहाँ काम ही नहीं हुआ था। हालांकि जब हम लोग 2017 में चुन के आए उसके बाद हमने गाँवदेवी से लेके एकता नगर से सभी छोटे छोटे गलियों में काम किया है, हमने ऐसा नहीं बता हम ऐसा हमारी तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन हमने लोगों जो लोग हमारे पास काम लेके आए हमने उनका काम किया है। और ये रोड भी अभी माशाल्लाह कल इसका अच्छे से काम हुआ है, तो यहाँ ये देख के लोगों ने यहाँ पे हमारे सत्कार के लिए बुलाया, मैं लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि तो उन्होंने हमारे काम की सराहना किया और हमें यहाँ बोला कि हमारा सत्कार किया, मैं इतना ही कहूँगा। जय हिंद सभी को, सलाम अलैकुम, नमस्कार। ये ठाकुरपाड़ा से लेके आपने देखा ये बाईपास तक के रास्ता चल रहा है, ये काम शुरू नहीं हुआ, ये काम ख़त्म हो गया है। पहली बात तो आज जो काम हो रहा है मुमरा में और राजन दादा के नज़रों में जो काम हो रहा है, पहला यहाँ होता था नारियल फोड़ते थे और सालों सालों काम का खबर नहीं होता था, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि काम होने के बाद राजन दादा को बुलाया जा रहा है सभी जगह पे, उसके लिए राजन दादा का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से नगर सेवकों को काम करने नहीं दिया गया है यहाँ पर, आज जाके खासदार साहब ने कहा है जो भी गरीबों का काम है आप लाइए, उनका काम करके दीजिए। जिस तरीके से खासदार साहब आज मदद कर रहे हैं लोगों को और लोगों का काम करके दे रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर का ही नहीं, आपको पता है संजय नगर नागे का नाला हो या छोटे छोटे गलियां हो या पानी के मसले हो, सिर्फ आप बोलिए जाके और वो मसलों को सॉल्व करने का आज खासदार साहब कर रहे हैं, और वो भी राजन दादा के ज़रिए हो रहा है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और काम हो रहा है, छोटा सा रास्ता का एक थोड़ा सा रह गया है जो अभी इन्होंने मांग की है दादा से, उन्होंने भी कहा है जल्दी करके देंगे। तो इस तरीके से सालों साल से अगर नगर सेवकों को काम करने मिला होता, नगर सेवकों को निधि के नज़रों में फंसा के नहीं रखा होता, तो यहाँ पर विकास बहुत हुआ होता। लेकिन आज इन लोग को नगर से यहाँ के कुछ नगर सेवकों को, और ये पट्टा के बाद आगे के पट्टे पे आप जाओगे तो नगर सेवकों को तो काम ही क्या होता है नहीं पता है, उनको सिर्फ एक ही बात मालूम है निधि नहीं है। आप उनको खाना बोलोगे तो बोलेंगे निधि, लोग जाके बोलेंगे काम तो बोलेंगे निधि, लोग बोलेंगे गटर तो लोग बोलेंगे निधि, लोग बोलते हैं एडमिशन तब भी वो बोलेंगे निधि, क्योंकि उनको ये सिखाया गया है, उनके आका के तरफ से यही बताया गया है कि निधि। तो इसी तरीके से अभी सबको काम करने का मौका मिल रहा है, सब काम कर रहे हैं, तो बस आगे का जनता साथ भी देंगी तो इससे ज़्यादा काम करके देंगे।